के चलो आज करते हैं और फिर नहीं कर रहे हैं, ये इनसे कुछ नहीं होगा, करना पड़ता है, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, वहाँ पे लगना पड़ता है, जूझना पड़ता है, तब जाके सवाल होता है, ये चीज़ तो पहले माइंडसेट बना दो। Hi everyone, welcome to Placements Ready. So welcome to another set of podcasts where we are having Piyush with us. So Piyush is currently a software engineer at Paytm. So let's get to know more about Piyush. So yeah, Piyush, please give a brief intro about yourself. Yeah, thank you Avinash, first of all. So hello everyone, my name is Piyush Agarwal. I am from Gwalior and recently I completed my graduation from IIIT Jabalpur. In the department of computer science and engineering, and yeah, we'll get to know much more things. So Pius is a very fantastic developer, as I can say. Thank you. So because he is my teammate also, so let's know more about Pius. So Pius, sab koi janna chahta hai ki product based company ke liye kya karna padta hai, right? So, मैं वहां से शुरू नहीं करूंगा क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले वो माइंडसेट कि मुझे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है वो कैसे डेवलप करा आपने? जैसे आप जानते हैं हम 11th और 12th में अपनी जेई की प्रिपरेशन करते हैं, पूरे साल भर अपन चलते हैं, अपना पूरा माइंडसेट फोकस रहता है कि हमें इतने घंटे पढ़ाई करनी है, यही चीजें करनी है, हमें क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ये सब करे जाते हैं, लेकिन जब आप कॉलेज में एंटर करते हैं तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो होता है। आपको एज अ हर क्वेश्चन ऐसा नहीं रहता है कि आप बिल्कुल बैठ के सॉल्व करते जा रहे हैं, आपको अपना माइंडसेट डेवलप करना पड़ता है, अंदर लॉजिकल स्किल्स आपको डेवलप करनी पड़ती हैं, तो वो आपकी भर्ती है मेनली। अगर आपको कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब चाहिए, जो आपको रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे हमें मेन सबसे जो फेवरेट चीज है वो है DSA, जो हमें पता है। ओके, so DSA is must must important for if you really want to crack any product based company. Also OOPS concept is also required for that. So basically I focus on these two things, not so much going through the computer networks part or OS. yeah, DBMS part also I work on that, but yeah. So अगर मैं बात करूँ अपनी कॉलेज जर्नी की, तो जब मैं स्टार्ट किया था फर्स्ट ईयर में, तो सबसे पहले लैंग्वेज आई थी सी लैंग्वेज, हमने स्टार्ट की थी सी लैंग्वेज में, हमने कोडिंग करना स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने और भी लैंग्वेजेस देखी और भी उसमें काम भी किया, जैसे पाइथन है, जावा है, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मैं C++ में ज़्यादा कम्फर्टेबल था, तो मैंने C++ को अपना कंटिन्यू रखा और इसी को एज अ DSA के लिए प्रेफरेंस लैंग्वेज हमने यूज़ करी, उसी में मैंने लैंग्वेज यूज़ करी है। बेसिकली हम अगर बात करें मैंने प्रैक्टिस कहाँ से करी, प्रैक्टिस हमने GFG लीड कोड ज्यादा हेल्पफुल थी मेरे लिए। सो या सो लाइक मैं यहाँ पे ऐड अप करना चाहूंगा कि C++ जो लैंग्वेज है ना, इट्स बेसिकली इट्स हैज फास्टर रन टाइम एंड बहुत सारे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स आप देखोगे तो वो लोग C++ ही यूज करते हैं, तो एक तो सपोर्ट बहुत तगड़ा है C++ का, एंड देन C++ फास्टर है, तो बहुत बार क्या होता है कि पाइथन का टेस्ट केस रन नहीं कर रहा बट C++ का कर जाता है, राइट? सो यस, बेसिकली चीजें ये भी रहती हैं कि मोस्ट कंपनीज जो रहती हैं वो पाइथन प्रेफर नहीं करती हैं एज अ कोडिंग टेस्ट के लिए, ज्यादा से ज्यादा C++ या जावा को प्रेफर किया जाता है। तो अगर मैंने जैसे बहुत सारे इसके दिए हैं इंटरव्यूज तो पता है मुझे, तो अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूं तो मेरे एक सीनियर का माइक्रोसॉफ्ट में पहले ग्रुप फ्लाई राउंड होता था, तो उसमें लाइक ही राइट द कोड इन पाइथन, राइट? सो उसमें क्या हुआ, फिर उन्हें लगा कि ही रोट सम स्यूडो लैंग्वेज और स्यूडो कोड, सो दैट्स व्हाई ही वाज रिजेक्टेड। अगर कोई बच्चा लाइक C++ सीख ले, ठीक है, तो उसे DSA में कैसे प्रोग्रेस करना चाहिए स्टेप बाय स्टेप? बेसिकली हम बात करें तो DSA में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे एरे हो गया, स्ट्रिंग्स हो गया हमारा, स्टैक्स, क्यूज, ट्री, ग्राफ्स। सो इनके जो बेसिक्स क्वेश्चंस हैं जो हम एक्चुअली पढ़ते हैं कि इनकी रिलेटेड एल्गोरिथम्स हैं, जैसे एरे में बात करें तो कार्डानियस एल्गोरिथम आ गई, हम अगर ग्राफ में बात करें तो बहुत सारी एल्गोरिथम है, कैसे ट्रेवर्स करते हैं ग्राफ को, ट्री में कैसे ट्रेवर्स करते हैं। तो बेसिकली जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको GFG या लीड कोड पे वहाँ पे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए,
और मेनली मुझे तो बहुत सारे यूट्यूबर्स में देखता था कि वो कैसे प्रैक्टिस करते हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे लॉजिक बिल्ड करते हैं। एक्चुअली मैंने सीपी ज्यादा नहीं करी है, मैं प्योरली बेस्ड मतलब फोकस रहा हूँ कि डीएसए पार्ट को कैसे क्रैक करते हैं, तो इन सब चीजों को मैंने यूज करके काम किया। सो आपका क्या मानना है, अगर लेट्स से बहुत बच्चे होते हैं जो कि सीपी करते हैं बट उन्हें वो टाइप का सक्सेस नहीं मिल पाता सीपी में, तो क्या सीपी नहीं करने से काम चल जाएगा या फिर नहीं चलेगा आज के डेट में? नहीं, मेरा ये मानना नहीं है, सीपी करने से लॉजिक बिल्ड होता है। आप क्वेश्चन को देखने का नजरिया देख सकते हैं कि एक्चुअली क्वेश्चन में क्या है। तो मैं ये नहीं मानता कि सीपी करने से किसी को फायदा नहीं मिलेगा, सीपी करने से बहुत फायदा मिलेगा। मैंने भी ऐसा नहीं है कि सीपी नहीं करी, बिल्कुल भी सीपी करी है, उससे भी मुझे फायदा हुआ है। लेकिन अगर बात करें मेजर जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी रहती है उनके लिए हमें डीएसए मच मोर इम्पोर्टेंट। सो डीएसए पे अगर फोकस करेंगे हम लास्ट के अराउंड 1 to 1.5 ईयर्स, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है। सो डीएसए में लाइक यू कैन गिव मोर स्ट्रेस टू डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्राफ्स, डायनेमिक ट्रीज, प्रोग्रामिंग बाइनरी सर्च एक ऐसा एल्गोरिदम है जो कि बहुत बार पूछा जाता है इंटरव्यू में, और अगर आप लाइक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वहाँ बाइनरी सर्च यूज हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स दैट यू शुड गिव मोर फोकस। एंड ठीक है पीयूष, तो अब इतना हो गया। ठीक है, तो पेटीएम में लाइक आपके कितने राउंड्स हुए? फर्स्ट बात करें तो पहला तो कोडिंग राउंड हुआ था जिसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। कह सकते हैं कि लेवल हमारा इजी टू मीडियम और अराउंड मीडियम था, और इसमें हमें 3 क्वेश्चन थे बेसिकली। फर्स्ट इज वॉज एरे, सेकंड इज और स्ट्रिंग, एंड थर्ड इज अराउंड आई थिंक इट्स बाइनरी सर्च। ओके, सो दीज 3 टॉपिक्स विल बी अप। सो एरे, स्ट्रिंग एंड बाइनरी सर्च। मेरे केस में क्या था, इट वाज एरे लाइक 2D एरे मैट्रिक्स बेसिकली, देन स्ट्रिंग्स की क्वेश्चन थी एंड देन वन वाज फ्रॉम बाइनरी सर्च ट्री, राइट? एंड लाइक कुछ मेरे फ्रेंड्स के डायनेमिक प्रोग्रामिंग के भी क्वेश्चंस थे का, तो मिक्स टॉपिक्स आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको सब कुछ प्रैक्टिस करना है अच्छे से। एंड उसके अलावा कितने टेक राउंड्स हुए आपके? बात की जाए तो 2 टेक्निकल राउंड और 1 HR राउंड हुआ था। दोनों टेक्निकल राउंड में डीएसए था, और हमारा जो ऊप्स कंसेप्ट और डीबीएमएस पार्ट रहता है वो पूछा गया था। अगर ब्रीफली मैं बताऊं तो पहला हमारा जो राउंड हुआ था उसमें डीएसए का क्वेश्चन पूछा गया था जो कि ट्री से था, ट्री ट्रेवर्सल। उसमें थोड़ा सा हल्का सा लॉजिकल पार्ट भी था, उन्होंने ट्विस्ट कर दिया था क्वेश्चन को। एंड सेकेंड वन इज फ्रॉम बाइनरी सर्च, उसमें भी ट्विस्टेड क्वेश्चन था। एंड उसके बाद ऊप्स के कंसेप्ट पूछे गए। बोलिए। तो ये ऊप्स वाला चीज बहुत बार इंटरव्यूअर पे भी डिपेंड करता है। लाइक इंटरव्यूअर का बेस जावा में अच्छा है तो वो आपसे जावा में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है, आपसे आपको चॉइस भी नहीं मिलेगा सी प्लस प्लस जावा का। बट एटलीस्ट आई विल टेल कि एटलीस्ट एक लैंग्वेज तो कर लो। ठीक है, और जावा भी ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, जावा भी आपके इंजीनियरिंग में एक सेमेस्टर में जावा पढ़ाया जाता है, तो वहां पे थोड़ा सा ध्यान दे देना, तो उससे क्या होगा कि आपका जो चीज है वो कवर हो जाएगा। लाइक जावा में बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, JVM, JDK, JRE, राइट? सो वो सारा चीज आपका कवर हो जाएगा। तो ठीक है पीयूष, तो ऊप्स वाली चीजें हो गई। देन अब ये बताओ कि सेकेंड टेक राउंड में फिर क्या हुआ? सेकेंड टेक राउंड में थोड़ा सा कह सकते हैं डिफिकल्ट चीज हुई। कर दें 10 मिनट में, तो 10 मिनट में जितना भी होता है इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, जितनी भी चीजें रहती हैं सब मैंने कवर कर दी थी। तो उसके बाद उन्होंने बस नेक्स्ट राउंड में फिर कॉल आ गया था मेरे पास एचआर राउंड का। तो यहाँ पे मैं ऐडअप करना चाहूंगा, बहुत लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली लाइब्रेरी फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, बिट्स एस टी डी सी प्लस प्लस डॉट एच लिख दिया एंड देन प्रायोरिटी क्यू यूज कर लिया, काम हो गया। मेरे केस में क्या था कि मुझे जो क्वेश्चन मिला उसका कॉम्प्लेक्सिटी मुझे अनलॉक के करना था, तो बात तो सही था कि भाई मेरे को प्रायोरिटी क्यू यूज करना ही करना है, बट द ट्विस्ट वॉज दैट आई वॉज नॉट अलाउड टू यूज प्रायोरिटी क्यू। ठीक है,
मुझे पूरा ही वहां पे इम्प्लीमेंट करना पड़ा, ठीक है। और लकीली मुझे कॉन्सेप्ट्स पता थे, ठीक है, मैंने पढ़ा था बहुत पहले, तो मैं लकीली वहां पे कर पाया, ठीक है। बट ऐसा मत सोचना कि कभी लाइब्रेरी फंक्शंस बहुत बार इंटरव्यू में अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। सॉर्टिंग के लिए लेट से अगर बहुत छोटा स्टेप है सॉर्ट करना तो फिर चल जाएगा, बट लेट से क्वेश्चन ही पूरा सॉर्टिंग पे डिपेंडेंट है। लाइक बहुत सारे क्वेश्चन आप देखोगे क्विक सॉर्ट पे बेस्ड है या मर्ज सॉर्ट पे बेस्ड है, तो वहां पे आपको फिर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जैसे एक फेमस क्वेश्चन है काउंट इन्वर्जन्स का, राइट, तो फिर वहां पे आपको मर्ज सॉर्ट इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो या सो ठीक है पीयूष, तो लाइक आपका 6 months प्लस फुल टाइम ऑफर था या फिर सिर्फ फुल टाइम ऑफर था? एक्चुअली हाँ, 6+ फुल टाइम ऑफर था मेरा। तो ठीक है, तो लाइक कैसा रहा इंटर्नशिप जर्नी अभी तक? इंटर्नशिप जर्नी तो बहुत अमेजिंग रही। वर्क कल्चर काफ़ी अच्छा है। अगर आप कंपेयर करें तो जस्ट लाइक अ माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन आप कर सकते हैं कि हाँ, वर्क कल्चर काफ़ी अच्छा है। आप अपना बेसिकली डिपेंड करता है टीम पे, क्या आपकी टीम क्या है। जैसे अपन दोनों एक ही टीम में हैं तो अपन को पता है कि कैसा वर्क कल्चर है वहाँ का। काफ़ी अच्छा वर्क कल्चर रहा है। हाँ, तो ये बात तो सही है भाई, मतलब पेटीएम का वर्क कल्चर मतलब बहुत सही है। और आप कोई भी अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाओगे ना, तो आपका अच्छा टेक केयर किया जाता है रिगार्डिंग हेल्थ, एंड जो भी वर्क कल्चर ऐसा मतलब हेक्टिक नहीं होगा, ठीक है, मतलब आपको मजा आएगा काम करने में, ठीक है। तो दैट्स वाई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी इज प्रेफरेबल, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि यहाँ पे कोई ऐसा ये भी नहीं है कि आपको 9 घंटे बैठ के पूरा काम करते रहना है या फिर कुछ, पर डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट पे, ठीक है। तो वो चीज भी एक बेनिफिट है, प्लस आपका पे स्केल ज्यादा होता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कंपेयर टू सर्विस बेस्ड कंपनीज। सो दैट्स वाई यू शुड ऑलवेज ट्राई टू हैव द माइंडसेट टू क्रैक अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, ठीक है। और आजकल तो यूट्यूब पे बहुत सारे रिसोर्सेस हैं आपका, मैंने भी शुरू करा है, तो आप भी सपोर्ट दिखा सकते हो प्लेसमेंट्स रेडी को सब्सक्राइब करके, ठीक है। सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो व्यूज, लास्ट क्वेश्चन, एनी एडवाइस फॉर आवर ऑडियंस हु इज वॉचिंग दिस वीडियो? करें। देखो, एडवाइस यही है, करना पड़ेगा। यूट्यूब वीडियोस देख के माइंडसेट बना के चलो आज करते हैं, और फिर नहीं कर रहे हैं ये, इनसे कुछ नहीं होगा। करना पड़ता है, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, वहां पे लगना पड़ता है, जूझना पड़ता है, तब जाके सवाल होते हैं। ये चीज तो पहले माइंडसेट बना के रखना है। दूसरी चीज ये है कि कभी भी देखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा गिरता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा उठ के रहे। लाइफ है ये, अगर सीधी चलेगी इसका मतलब ये आप डेड हैं। ऊपर नीचे इसका मतलब आप, तो ये चीज समझ के रखना है कि ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन आते रहेंगे, उससे घबराना नहीं है, बस करते जाना है। सो थैंक यू विश फॉर एक्सेप्टिंग आवर इन्विटेशन टू कनेक्ट, थैंक यू एंड अविनाश। आई होप हमारे ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सो जस्ट इन केस इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक दिस, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स सो दैट दे कुड गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। एंड कोई भी डिटेल चाहिए होगा डिस्क्रिप्शन एक बार ही चेक कर लेना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू पीयूष। Fearless.